Hello friends, I welcome you all on your PDA education. So today there is one big job update and that is from Rajasthan Staff Selection Board Jaipur. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हो गई हैं, तो जिन्होंने भी डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है सिविल मैकेनिकल में तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं. सो लेट्स सी दिस एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर चेक कर लेते हैं. तो सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर. तो इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट आउट की है आज की डेट में. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, ठीक है. तो जिन्होंने डिग्री किया हुआ है सिविल में तो वहाँ पर उनके लिए 422 वैकेंसीज हैं. एंड डिप्लोमा के लिए कितनी है, 66 वैकेंसीज हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने डिग्री किया हुआ है सिविल में 204 वैकेंसीज हैं. डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में तो उनके लिए यहाँ पर 101 वैकेंसीज हैं, ठीक है. एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 37 वैकेंसीज हैं. एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 37 है एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 26 वैकेंसीज हैं, ठीक है. एंड देन उसके बाद दिस स्वायत्त शासन विभाग में जिन्होंने डिग्री किया हुआ सिविल में और डिप्लोमा सिविल किया हुआ तो 145 एंड 36 वैकेंसीज हैं. एंड जिन्होंने इलेक्ट्रिकल किया हुआ डिग्री डिप्लोमा उनके लिए 44 एंड 11 वैकेंसीज हैं. तो टोटल ऐसा 1092 वैकेंसीज हैं, 1092 यहाँ पर वैकेंसीज हैं. तो ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है इसमें, ठीक है. इसमें रिटर्न टेस्ट होगा तो जो भी इनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे. अदरवाइज़ जो पुराना जो एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें कि टेक्निकल से आएगा और उसमें फिर राजस्थान जीके भी रहेगा साथ में, तो वैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल सकता है. आवेदन प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है. एंड आवेदन कैसे करना है वो सारा इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है. आपको पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एंड देन डैशबोर्ड पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर जाना है, अप्लाई नाउ पर करना है, ठीक है. परीक्षा शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा वो सारा इसमें दिया हुआ है. जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर तो इसमें 450 रुपीज़ है, ठीक है. राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर 350 रुपीज़ एंड उसके अलावा यहाँ पर एससी एसटी के लिए 250 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है. एंड अदर देन दिस यहाँ पर आई विल से जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई हेयर, ठीक है. एंड अदर देन दिस जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ जो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही मिलेगा, बट अदर स्टेट्स वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ओके. एंड अदर देन दिस सो आप और जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं, आप इस एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं. सैलरी कितना रहने वाला है इसमें, 33,800 रहने वाला है, ठीक है. एंड यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा चाहिए आपको सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इन सभी के लिए, और साथ में यहाँ पर हिंदी चाहिए, ठीक है. डिग्री डिप्लोमा तो चाहिए ही, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और इसमें यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता में, ठीक है. आयु कितना है इसमें, आयु आप देख सकते हैं 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारा यहाँ पर गिवन है. ओके सो फ्रेंड्स दैट वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. सो आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो अगर आपने डिग्री डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग योर पीडिया. थैंक्स वंस अगेन.